यहाँ पे हो गई है बहस, मछली जल की पानी है। गलत नहीं बोल दिया। बहुत ज्यादा यार, यार कढ़ाई आने के बाद ना ओवरऑल टेस्ट रेटिंग दूँ ना तो मैं दोबारा से वेलकम करते हैं विंटर स्ट्रीट फूड सीरीज के अंदर। और आज हम खाने आ चुके हैं मछली। तुम मछलियाँ बड़ी पा रहे हो भाई जान। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों और मछली नो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बात सही है, मछली तो वैसे भी विंटर की बेस्ट फूड है। यखनी मछली, मछली जल की पानी है। गलत नहीं बोल दिया। हम आ चुके हैं फिर दो सिनेमा चौक और पीएसओ पेट्रोल पंप के अकब में वाके शाहिद रियाज रहू मछली एंड फैमिली रेस्टोरेंट। बहुत बड़ा नाम है, तो चलते हैं। नाम जितना बड़ा है देखते हैं जाकर टेस्ट अच्छा है या गलत ही बनी है। आ जाए सर, यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है? सर हमारे पास फिश की आइटम है जो हमारी फेवरेट है, उसमें रहू फिश है, बाम फिश है, उसमें चिड़ा फिश हमारे पास, फिंगर फिश है, बेसन वाली है, सारी आइटम्स है और मेरी सही हो गया। काफी कैटेगरीज है। फिश के अलावा और क्या है आपके पास यहाँ? और हमारे पास रिसेंटली में कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, मखनी भी है, बीफ कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, शलवारी है, उसमें हांडीज हैं, बोनलेस हांडियाँ हैं, सारी तवा पीस है और ब्रेन मसाला, कबाब मसाला, सही यानी टक टक और सारी वैरायटी हमारे पास, सही हो गया, मेरी है। अच्छा ये भी बताएं हमें कि आप फिश जो फ्राई करते हैं वो सरसों के तेल में है या ऑयल में? ये प्योर सरसों का तेल, एक नंबर जो होता है, वन नंबर। सही हो गया। तो सर आप सुन रहे हैं, प्योर सरसों के तेल में फ्रेश फ्राई होती है। यहाँ पर खाने आए तो टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइमिंग सर हमारी तीन दोपहर से रात 3 बजे तक थी। अब कस्टमर की डिमांड पे हमने 12 बजे दोपहर से रात 3 बजे, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में 12 से रात 3 बजे का। सही होगा, आप फुल टाइम। तो जनाब आप भी रोज में देख भी रहे होंगे मछली फ्राई हो रही है, कढ़ाइयां बन रही हैं, तो ये सब कुछ देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है जैसे कि अभी मेरे मुंह में आ रहा है। तो अभी हम खाना ट्राई करेंगे और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने। जनाब नींबू मछली बारबेक्यू के साथ भी नींबू डलाओ उसका एक अलग ही जायका होता है ना। बहुत जनाब ट्राई करते हैं। ये है काला रहू, काला रहू है और ये मसाले वाली है। आपको चेक कराता हूँ मैं कुछ ये मलाई बोटी का पीस ट्राई कर रहा हूँ। ये देखें नान आपको नजर आ रहा होगा, मलाई बोटी है, टेंडर है काफी, ट्राई करके देखते हैं इनकी चटनी के साथ। बहुत आला यार, कबाब एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत आला है। चिकन में जो चिकन का जो टेस्ट आता है ना कबाब में वो आ रहा है। एक होता है लोगों ने प्याज भरी होती है वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। मसाला भी बड़ा ना माकूल सा है कि आपके गले को नहीं लग रहा। मसाले वाली फिश थोड़ी ट्राई करते हैं। वेरी हॉट एक्चुअली यार, बहुत लेवल है, मसाला तेज नहीं है कि आपके गले को लगे, बड़ा नॉर्मल सा और बड़ा अच्छा फिश का टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। बाम भी ट्राई करते हैं, ये देख रहे हैं आप पूरा बाम का पीस है। यार बाम भी मछली बहुत अच्छी है ना। मजे की बात ये है कि आपको असल मछली का टेस्ट आ रहा है, वरना लाहौर वाले जो लोग हैं ना, ये ज्यादातर लोग जो मछली खाते हैं
वो ये चाहते हैं कि मसाला उस पर ओवरकम हुआ हो, हालांकि अच्छा टेस्ट वो होगा जिसमें मसाला भी लगाओ और आपको असल जो रॉ फिश है उसका टेस्ट भी आ रहा हो, तो वो ज्यादा टेस्टी होगा। नान के साथ एक बड़ी बार ट्राई करते हैं, मछली नान और इनकी चटनी। अब आपने वो दोनों ट्राई करने, अब जरा बेसन में मछली भी ट्राई करने। मल्लू की मछली है यहाँ पे सांदा में, वो आपको जरूर दिखाएंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। आज इनका हम करते हैं खाते हैं क्या कहोगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत आला यार, नॉन स्पाइसी बेसन वाली बहुत अच्छी बनी है। जो मसाला डाला हुआ ना उसको भी बड़ा चढ़ गया। व्यू की तरफ चलते हैं, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एक्सेस की। फिर दोस्त सहमत चौक में आप आएंगे, आपको एक बड़ा सा पीएसओ का प्रॉब्लम नजर आएगा, उसके बिल्कुल साथ साथ ही आपको ये इसकी लोकेशन है तो इजीली एक्सेसिबल है, पार्किंग भी अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे हाइजीन एंड एम्बियंस। हाइजीन के लिहाज से ख्याल जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से है वो उन्होंने रखे हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, कैप्स पहनी हुई हैं, मास्क लगाए हुए हैं और पूरे एसओपी फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पर। एम्बियंस अच्छी है इस लिहाज से कि इस इलाके में एम्बियंस ऐसे नहीं मिलती आपको, फैमिली सिटिंग एक अलग बना हुआ है। थर्ड कैटेगरी एंड मेन कैटेगरी इज टेस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कबाब आपको इतना अच्छा मिलेगा, हालांकि मैं कबाब ढूंढता रहता हूँ खाने के लिए, और मलाई बोटी भी उनकी बहुत अच्छी थी साथ फिशेस की, क्या बात है। तीनों फिशेस हमने तीन तरह की फिशेस मंगवाई इनसे, एक ये है एक मसाले वाली, मसाले वाली बेसन वाली बाम है बेसन वाली, और ये काला रोहू बेसन वाली। तो तीनों का अपना अपना एक अलग अलग टेस्ट है। मसाले वाली आप खाएंगे उसके आप मसाले के साथ आपको ये नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मसाला है उसमें, आपको फिश का भी टेस्ट आएगा और मसाले के साथ बहुत अच्छा टेस्ट। और बाम बाम जिस तरह के अपना ओरिजिनल टेस्ट रखती है उसी तरह का बिल्कुल आपको टेस्ट आ रहा है। और बेसन वाली के बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैं तो सारी मछलियों की बात करूँ, मुझे मजा आया खाने का। तो टेस्ट के लिहाज से क्या रेट करेंगे आप? चलो मैं कर देता हूँ 8.7 8.8, और मैं इनको 9 रेट करूँगा यार। 9 टेस्ट के लिहाज से चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। बहुत अच्छा टेस्ट है यार, आप बहुत जल्दी सबको रेटिंग पकड़ा देते हैं ऊपर ऊपर की, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ओवरऑल अगर आएंगे वो जब आएंगे ओवरऑल पे तब बताएंगे। बहरहाल इनकी सीटिंग चौथी कैटेगरी हमारी सीटिंग है, सेटिंग अच्छी खासी थी इस इलाके में, सेटिंग अच्छी बनी हुई है, फैमिली हॉल है पूरा ऊपर अलहदा से, और यहाँ पे भी 30 लोगों का सेटअप बना है। लाइटिंग तो इतनी ज़्यादा की हुई है इन्होंने ब्रांडिंग के लिए, जाहिर है भाई देखेगा तो बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। लास्ट कैटेगरी हमारी प्राइसिंग की है, आपने प्राइसिंग प्राइस लिस्ट चल रही होगी, 1100 1200 इस तरह रेट है मछली के, और प्राइस लिस्ट आपको चल रही है आप ये देखें। और दूसरा ये कबाब भी रीजनेबल प्राइसेस में है, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चिकन बहुत महंगा हो गया है, उसके लिहाज से अभी भी रीजनेबल प्राइसेस हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार ट्राई कर लें, हमारे कहने पे आपको वर्थ ट्राइंग है। यहाँ हर किसी की मछली खाई जाती है, ढूंढते हैं आप नई चीज़, ढूंढते हैं आप, एक्सप्लोर करते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आते हैं, आपको ना उम्मीद ही नहीं होगी। यहाँ पे हो गई है बहस के मछली फास्ट फूड है और मैं कहता हूँ देसी खाना नहीं, हम वहाँ पे छोड़ते हैं। आप कमेंट्स में बताएं फ्राइड मछली जो है वो फास्ट फूड में है या देसी फूड। भाई कहते हैं देसी फूड में, वो फास्ट फूड है, टकाटक भी समझ रहे, टकाटक बना मसाले में फास्ट फूड है। भाई ने कल कहा ना हलवा भी फास्ट फूड है, पूड़ियां भी फास्ट फूड है। सेकंड शिफ्ट हमारी आ गई है देसी वाली, चिकन कढ़ाई हमारे पास आ चुकी है, ट्राई करते हैं और इसका भी रिव्यू देते हैं। जनाब एक बाइट लें, आप बोनलेस चिकन पकड़े, मसाला पकड़े ऐसे, और क्या बात भाई फास्ट फूड। क्या बात है मसाले की भाई जी, यार रोटी इतनी टेंडर ऐसे मैंने किया पूड़ियों मुंह में घुल भी गई है, बहुत आला। मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि ये मक्खन में नहीं बनी हुई जिस तरह जावा में बनाते हैं, ये देसी घी में नहीं बनी जिस तरह बट वाले बनाते हैं। बहरहाल कढ़ाई बहुत अच्छी है, कढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं मसालों की बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक और भी चीज़ आप नोट करो ना, इसके ऊपर घी तैर नहीं रहा, बहुत कम घी डाला है, सब मसाला डाला है, और क्वांटिटी की बात भी ज्यादा किलो की तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी।
यार कढ़ाई आने के बाद ना ओवरऑल टेस्ट रेटिंग दूं ना तो मैं 9.2 दे रहा हूं। मैंने सही कहा था ना, मैंने सही रेटिंग दी थी। देखा रेटिंग इसलिए बदली है कि कढ़ाई बाद में आई है। मेरे हिसाब से हाईली अंडररेटेड और हिडन जेम की कैटेगरी के अंदर ये फूड पॉइंट आना चाहिए। मछली सबका रिव्यू आप दे चुके हैं, मगर कढ़ाई उन सबसे ऊपर। ओवरऑल खाना बहुत लाजवाब है, जरूर आइएगा। अपना व्लॉग आज का काम करते हैं सपने बन के साथ की आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को आप हर जगह जरूर प्रमोट करेंगे। सो हम मिलेंगे इस तरह की किसी और फूड पॉइंट पे जहाँ से हम आपको डिलीशियस फूड रिव्यूज दे सकें। सो आज के व्लॉग से यहाँ से लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।